नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंकित तिवारी है और मेरे चैनल कूलिंग मंत्रा पे आपका स्वागत है। ये जो मेरे कोल्ड रूम के वीडियोस की जो सीरीज़ चल रही थी उसका ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले जो दो वीडियो डाले हैं उसमें मैंने एक वीडियो में थ्योरिकल जानकारी दी है, दूसरे में मैंने लो टेम्परेचर के कोल्ड रूम के विषय में बताया है। ये हाई टेम्परेचर का कोल्ड रूम है। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर रेंज प्लस में रखनी हो आपको, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी आप रख सकते हैं, प्लस में जब रखना हो वो हाई टेम्परेचर कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दही पनीर चक्का के लिए आप इसका, फार्मास्यूटिकल्स में जो वैक्सीन्स होती हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारी एसेसरीज दिखेंगी, वो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल पैनल की, वो कैसा दिखता है, क्या क्या काम करता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंट्रोल पैनल है, इसमें डिजिटल मीटर लगा हुआ है जिसपे आपको 10 डिग्री टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। जब मैंने अभी इसका टेम्परेचर 4 सेट किया है, जब 4 डिग्री आ जाएगा तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और 8 डिग्री पर दोबारा चालू हो जाएगा। ये एक 3 फेज का यूनिट है, ये छोटा रूम है, इसमें सिंगल फेज भी आप लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं कि आप 3 फेज में जाएं, ऑप्शन दोनों होते हैं कस्टमर के पास। अब इसमें कंपोनेंट जो लगे हुए हैं, ये कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है, ये फेज प्रिवेंटर है, MCB है, कंट्रोलर है, इंडिकेटर्स हैं इत्यादि। तो ये हो गया इसका कंट्रोल पैनल। अब हम देखते हैं रूम अंदर से कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल की मोटाई की। वॉल की मोटाई डिसाइड होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, किस टेम्परेचर का आपका कोल्ड रूम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लस का रूम है तो उसमें मिनिमम आपको 60 mm की वॉल लेनी है। अगर ये लो टेम्परेचर का होता तो इसकी मोटाई 125 से 150 mm लेते, और यदि ये मीडियम में होता तो हम 80 mm से 100 mm की इसकी वॉल की मोटाई लेते। अब हम बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर 3 टाइप की आती हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कब करना है पहले हम उसको समझ लेते हैं। ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं इसमें आप देखिए नीचे ये पफ की एक शीट पड़ी हुई है और ये टारपेट डला हुआ है। इसको जब लगाते हैं तो इसमें नीचे टारपेट, फिर पफ की शीट, फिर टारपेट और इसमें बिटोमिन यानी कि डामर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर फिर कोटा फिक्सिंग की जाती है। 1.5 इंची कोटा आपको लगाना है और उसके बाद उसमें कोटे को लगाने से पहले उसमें जो कॉन्क्रीट या मेटल आपको डालना है वो डाल के आप कोटा लगाएंगे, 3 इंच की उसकी और हाइट जाएगी। ये फ्लोर का उपयोग कब करते हैं हम, जब जो प्रमाइसेस है हमारी वो हमारी खुद की हो, हमें रूम को यहाँ वहाँ शिफ्ट नहीं करना है, या हमारे कोल्ड रूम का साइज बहुत बड़ा है, तब हम इस टाइप की फ्लोर लगाते हैं। यदि आपकी रेंट की जगह है तब आप लगाएंगे कोटा पैनल। कोटा पैनल क्या होता है, जैसे ये रूम आप जो देख रहे हैं ये पैनल से बना हुआ है, इसी तरह इसकी फ्लोर भी पैनल की बनेगी और उसके ऊपर कोटा फिक्सिंग होगी। उसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें जब आपको रूम यहाँ वहाँ शिफ्ट करना होता है तो फ्लोर आपकी वैसे की वैसे निकल जाती है, वो डैमेज नहीं होती। तीसरा टाइप आता है एल्यूमिनियम चेकर प्लेट या स्किट प्लेट का, वो हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमें कोल्ड रूम में अंदर पानी वानी नहीं डालना है या धुलाई नहीं करनी है या जो हमारा सामान है वो बहुत हैवी नहीं है, उसका ज़्यादा कोई लोड नहीं है, उस टाइप के प्रोडक्ट के लिए उसको लगाया जाता है। वो थोड़ी सी महंगी आती है और थोड़ी सी नाजुक भी होती है, तो आप उसको वहीं लगाएं जहाँ पे आपको जैसे या तो वैक्सीन रखनी हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो सूखा प्रोडक्ट हो तब लगाएं। ये जो फ्लोर है इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये रफ एंड टफ होती है, इसमें खूब पानी डालिए, खूब पटकिए, कुछ भी करिए, ये डैमेज नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं इसके एवोपेटर यूनिट की। ये आप जो देख रहे हैं ये एवोपेटर यूनिट लगी हुई है और ये एकदम डोर के अपोजिट में लगी हुई है। ये अपोजिट में क्यों लगाई गई है, जब रूम का साइज छोटा होता है तो उसको हम अपोजिट में लगाते हैं ताकि जो एयर का प्रेशर है वो पॉजिटिव बना रहे, बाहर की गर्म हवा अंदर ना आए, अंदर की थोड़ी बहुत बाहर निकलेगी चल जाएगा। हाँ, रूम का साइज आपका बड़ा है तो आप इसको साइड वॉल पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको वॉल से 1 से 1.5 फीट आगे लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है ताकि जो एयर का सक्शन ये पीछे से करती है, सक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके और इसकी सर्विसिंग भी प्रॉपर तरीके से हो सके। ये इसका ड्रेन पाइप है, जब इसमें मॉइस्चर कलेक्ट हो जाएगा तो वो ड्रेन से बाहर चला जाएगा। ये भी फुल्ली कैमलॉक रूम है, इसमें भी कैमलॉक्स लगे हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें नॉर्मली जो कॉमनली मैंने आपको बताई थी पहले की वीडियो में वही चीज़ लगी हुई है। हाँ, अब हम बात करते हैं इसके रेफ्रिजरेशन की। तो रेफ्रिजरेशन का चुनाव कैसे करना है, वैसे तो उसके लिए हीट लोड का कैलकुलेशन करना होता है, वो एक अलग कैलकुलेशन होता है हीट लोड का, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि इसमें कितने टन की मशीन लगनी है। और वैसे भी हम जब कोल्ड रूम में जाते हैं तो हम टन में बात नहीं करते हैं, हम BTU में बात करते हैं। 1 टन बराबर 12,000 BTU होता है। हम टन में बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है जो कोल्ड रूम का टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होता है। जैसे आप मान लीजिए आपने 2 डिग्री का लिया तो वो पहले कभी 8 होगा, फिर वो 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। जब टेम्परेचर कम होता है तो आपके BTU ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं, इसलिए हम BTU में बात करते हैं। टन में हम बात कब करते हैं, जब हम कंफर्ट एयर कंडीशनर में जा रहे हो तब हम टन में बात करते हैं, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है मैक्सिमम आप 16 डिग्री से नीचे नहीं ला सकते उसके अंदर। इसमें 1.5 टन की मशीन लगाई है। ये एक 450 से 500 CFT का रूम है। CFT का मतलब होगा क्यूबिक फिट। ये 8x8x8 का बाहर से रूम है, अंदर से निकालेंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो 400 से 600 CFT के रूम में आप यदि प्लस में जा रहे हैं
तो 1.5 टन की मशीन में आपका काम हो जाएगा। यदि 300 से लेकर 400 तक का आपका रूम है तो 1 टन में काम हो जाएगा, और 600 से अबव और 900 के अंदर यदि हैं तो आप 2 टन में आपके कोल्ड रूम का काम, 2 टन में आपकी मशीन कोल्ड रूम में सफिशियंट कूलिंग आ जाएगी। ये एक थंब रूल बताया मैंने आपको, ये सही तरीका तो नहीं है, फिर भी एक अंदाज लगाने के लिए आपकी मदद करेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। यदि इस वीडियो में कोई ऐसी जानकारी मैं दे नहीं पाया या छूट गई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। आपने मेरी बात को इतने ध्यान सुना उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।